और एक बिहारी सब पर भारी है, इसलिए एक बिहारी सौ पर भारी नहीं, एक बिहारी सब पर भारी, सभी लोगों पर भारी है, याद रखिएगा। भोजपुरी का जो विरोध करी ओकर जम के हमने का विरोध कर जाए, और किसी सूरत में हम लोग 1932 का खतियान खोने नहीं देंगे। झारखंड में बिहारियों के छाती पर चढ़ के जाना पड़ेगा तब 1932 होगा। 6 मार्च को एक भी बिहारी रोड पे दिखेगा तो उसको दौड़ा कर मारा जाएगा। 6 मार्च का है, बिहारी तो रोज रोड पर निकलता है। 6 मार्च जो होगा वो ऐतिहासिक हो, इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में। 2022 24 जुलाई को यही 1932 खतियान के नाम पर बिहारियों ने क्या जवाब दिया था, भूल गए क्या? नमस्कार, झारखंड में भाषाई विवाद लगातार बढ़ते जा रही है, इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश यादव जी। सर, सबसे पहला सवाल कि जो बिहारी को दौड़ा कर मारने की बात कही गई उस पर आप क्या कहिएगा? ये लड़ाई आदिवासी गैर आदिवासी का थोड़ी है, आदिवासी हमारे साथी मित्र परिवार के लोगों को अगर कोई भड़का रहा है और उनको ना समझ बना रहा है तो उनका सोच का दोष है। ये लड़ाई आदिवासी गैर आदिवासी का कहाँ है, ये लड़ाई तो सरकार से और संविधान का लड़ाई है, असंवेदनशील और असंवैधानिक निर्णय के खिलाफ में लड़ाई है। आप 1932 का मांग कर रहे हैं, 1932 आधारहीन मांग है, तथ्यहीन है, असंवैधानिक है, जिसको जनता ने नकार दिया, न्यायालय ने नकार दिया, तो उसको बार बार दोहरा कर लोगों में भाईचारे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो होना नहीं है, इसको बिगाड़ने का काम हो रहा है, तो इसको लेकर बेवजह का लोग रोड पर निकल कर तूल दे रहा है सब, जो कि संभव नहीं है। और इसको लेकर अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है, अमर्यादित व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके आचरण को तो हम बदल नहीं सकते हैं। रहा सवाल किसको कौन दौड़ा के मारेगा, किसको क्या बोलेगा, ये तो समय बताएगा। नहीं, बोला गया है कि 6 मार्च को एक भी बिहारी रोड पे दिखेगा तो उसको दौड़ा कर मारा जाएगा। 6 मार्च का है कि बिहारी तो रोज रोड पर निकलता है, और 6 मार्च जो है ऐतिहासिक दिन होगा, लोगों को भी पता नहीं है। 6 मार्च जो होगा वो ऐतिहासिक हो, इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में, कि भाषा को लेकर यहाँ के लोग, रहने वाले लोग और जो सरकार है, भाषा के नाम पर एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया, भाषाई विवाद उत्पन्न करके भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, आपसी अमन चैन बिगाड़ने का काम किया। भोजपुरी मगही ऐतिहासिक प्राचीन भाषा है, इसको समाप्त करने के लिए लोग जो है कि एक इसको क्या बोलेंगे, आदि मानव का जो है रूप ले रहे हैं, राक्षसी रूप ले रहे हैं, और लोगों को जो है कि दूसरे को, मानव को जो है कि लोग दानव समझ रहे हैं, ये स्थिति समझ रहे हैं। लेकिन वो लोग मरने मारने को तैयार हैं। अब जहाँ मरने मारने को तैयार है तो प्रशासन समझेगी, विधि व्यवस्था उसका होगा, वो सरकार का काम है, क्यों लोग मरेगा क्यों मारेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो लोग भूल गए क्या कि 2002 को क्या जवाब मिला था? 2002 24 जुलाई को यही 1932 खतियान के नाम पर बिहारियों ने क्या जवाब दिया था, भूल गए क्या? उस चीज़ दोहराए नहीं और उसको पुनरावृत्ति ना करें। भोजपुरी भाषा, मगही भाषा ना चली झारखंड में, एकरा पे क्या बोला? देखिए, अब तो आप भोजपुरी में कह रहे तो हमको बोलना पड़ रहा है, ये कहे वाला के सोच के अंतर बा। हम लोग खाटी भोजपुरी हैं, और भोजपुरी जो प्रतीक थे, भोजपुरी सम्राट थे, आप भोजपुरी की माटी ही देश का पहला राष्ट्रपति दिया, इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। संविधान बनाने में, सहयोग करने में, ड्राफ्ट करने में भोजपुरी माटी ही अमल रहा, तो इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए। और भोजपुरी का जो विरोध करी ओकर जम के हमने का विरोध करब जा। लेकिन बोलल गई कि पूरा विद्यानगर घेर लेवल जी, ओ पे का कहम रहुआ? अरे एगो विद्यानगर तो एगो छोटा सा अंश बा, पूरे झारखंड में ऐसा ऐसा हजारों विद्यानगर बा, लोगों का समझ के दोष बा। आज जे भोजपुरी के मिठास के, भोजपुरी के मृदुभाषी आचरण के जे ना समझी, ओकरा जीवन में कभी जो है कि बरकत ना हुई, वो कभी जीवन में फली फूली ना। भोजपुरी जो है कि एक मिठास के केंद्र बिंदु है, भोजपुरी आपस में जोड़े के एक बहुत बड़ा जो है कि माध्यम भाषा है, एकरा से जो नफरत करी वो राज्य में कभी सुख चैन से ना रही। आ भोजपुरी के क्यों नफरत करके राज्य नहीं चला सकत, ये करोड़ों भोजपुरी भाई के, मगही भाई के, मैथिली भाई के, मैथिली जो कि सीताजी मैथिल रही, सीताजी मैथिल बोलत रही,
और ओकरा के लोग कहते कि मैथिल ना चली, इस संभव नहीं है। अब भोजपुरी, भोजपुरी तो मॉरिशस में बोला जाता, कई देश में बोला जाता, नेपाल में बोला जाला, ऐसे ही लोग अभी पता नहीं क्या। अब भोजपुरी के लाल जितने लोग बने देश के थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भोजपुरी माटी से चंपारण से जौन बाकी तिलक लगा के पद यात्रा शुरू कर विरोध अंग्रेजों के खिलाफ में, तो ये लोग अभी समझ नहीं के, इतिहास के जानकारी नहीं है, तो इन लोगों को समझे के चाहिए। और हमार लड़ाई ऐजा के लोगों से नहीं है, ना ऐजा के लोग ना ऊजा के लोग, सब एक बा, हमू झारखंडी वो झारखंडी, वो बिहारी हमू बिहारी, ये माने के पड़े कि हमने एक भाई एक परिवार, एक बहन एक परिवार, एक माता एक अथी बेटा एक बेटी बनी जा, उस रिश्ता से लोगों को देखे कोई। अगर लोग सोचा था कि नफरत फैला के करम तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बा, और ऐसे कुछ मिले जुले के नहीं है। 1932 खतियान लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसी सूरत पर नहीं लागू करना चाहिए, और किसी सूरत पर हम लोग 1932 का खतियान होने नहीं देंगे। इसके लिए हम पहले भी विरोध करते रहे, आज भी कर रहे हैं। 1932 खतियान के लिए करोड़ों लाश का जो इसे गुजरना पड़ेगा, एक लाश नहीं करोड़ों लाश देखना पड़ेगा इस देश को। झारखंड में बिहारियों के छाती पर चढ़ के जाना पड़ेगा तब 1932 होगा। कहाँ से ये सब बात आ गया, जो कि ब्रिटिश जमाना के बात को आप ला रहे हैं। अरे आज के जन्म के बात कीजिए ना, जब 2000 में झारखंड जन्म हुआ उस समय से बात कीजिए कि झारखंड का जो है कि विकास, झारखंड का जमीन, झारखंड में हरियाली कैसे आएगा। कहाँ से आप 1932 में ला रहे जब आपका जन्म क्रम भी नहीं हुआ, आप जानते भी नहीं कि 1932 क्या होता है। 1932 क्या चीज़ है? 1932 खतियान का मामला आप समझते हैं? ये बहुत तकनीकी चीज है, इसलिए को नहीं पता है। 1932 जो वहाँ उस समय नहीं थे वो भी आज आंदोलन कर रहे हैं राजभवन के समीप, ये समझ का दोष है। 1932 खतियान केवल झारखंड के लिए नहीं है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ लोग सर्वे कराया, 1932 में भी सर्वे हुआ, यहाँ भी सर्वे हुआ, झारखंड में भी। ये कौन नया चीज़ मिल गया है जो है कि संगमरमर का पत्थर कि 1932 इसे क्या होना जाना, कुछ नहीं होगा, ये बेकार इन लोग का मेहनत है। झारखंड हम इसलिए बंद कर रहे हैं, झारखंड बंद करके हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंकिया और राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी को दरकिनार करके आप राज्य नहीं चला सकते हैं। आपको मातृभाषा का रक्षा करना पड़ेगा। आपने उर्दू को शामिल किया, स्वागत जोग है, और भाषा को शामिल करना और शामिल कीजिए, लेकिन आप हिंदी को हटा दिए, इसका क्या मैसेज है? ते नासमझ भरा मैसेज है। हिंदी को आपको सम्मान देना पड़ेगा, भोजपुरी, मैथिली, मगही, प्राचीन भाषा, इसको सम्मान देना पड़ेगा, और हिंदी को आपको प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा। नहीं लाइएगा तो हिंदी बोलने वाले आप भी जो सदन में भाषण देते हैं महोदय, तो आप भी हिंदी में बोलते हैं, आप यहाँ का स्थानीय भाषा में नहीं बोलते हैं। पहले वहाँ लागू कराइए, वहाँ बोलिए, तब दूसरे को कोई मैसेज दे। तो ये सब बेकार की बात है। 6 मार्च को मेरा पूरा झारखंड बंद करने का ऐलान है, उसको हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे। सरकार अभी आज 2 तारीख है, अभी 4 दिन बचा हुआ है, अगर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास से, पहल से, सर्वदलीय बैठक बुलाकर या सामाजिक संगठनों के साथ में बैठकर या हम लोग को आमंत्रित करके इस भाषा विवाद को समाप्त करें, ये मेरा मांग है। कुर्बानी, हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग बापू के आदमी हैं, बापू का देश है, भारत के कण कण में बापू बसे हुए हैं, और झारखंड के रोम रोम में बिहारी बसे हुए हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्थानीय नीति पर क्या आप बोलेंगे? स्थानीय नीति जो 15 नवंबर 2000 से राज्य जिस दिन बंटवारा हुआ था, उस दिन से आपको स्थानीय नियोजन नीति बनाना चाहिए, और नहीं तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 1985 कट ऑफ ईयर माना गया था, उसके उसको मानिए। आज 2 साल होने को जा रहा, अभी तक लोगों का आवासीय सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आपका घोषणा किए कितना दिन हो गया, अब आपने पिछले बार सदन में बोला था कि अब स्कूल में ही बनेगा, तो ये सब चीज़ रहेगा तो राज्य विकास कहाँ से होगा। देश के आज़ादी में, देश के कुर्बानी में इस बिहारियों का क्या योगदान है, किसी से भूला हूँ आपको तो हम एक लाइन में बोल दिया था भोजपुरी में कि देश के प्रथम राष्ट्रपति उसी मिट्टी से थे जिस मिट्टी के हम लोग हैं, तो इसलिए इशारा काफ़ी है। मैथिली अंगिका के सम्मान में
और मातृभाषा हिंदी को रक्षा करने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और सरकार से जो है कि वन टू वन जो है बात करना पड़ेगा कि सरकार ने जो आवेश में जो जल्दबाजी में जो निर्णय लिया उसको निरस्त करे, संशोधित करे, उसमें कोई शिकायत नहीं है। राज्य में विषय आते रहता है, जाते रहता है, सरकार का काम है भूल सुधारना, संशोधन करना और इसको निरस्त करना और पूर्ण रूप से शामिल करना। तो ये मेरा आग्रह है। इसलिए ये कोई कह रहा है, अब वो लोग हम जवाब क्या देंगे? इसलिए एक बिहारी सौ पर भारी नहीं, एक बिहारी सब पर भारी, सभी लोगों पर भारी है, याद रखिएगा। तो जैसा कि आपने सुना, कैलाश यादव जी का साफ साफ कहना है कि 6 मार्च को झारखंड बंद करेंगे ही, किसी के भी बोलने से वो डरेंगे नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।